गोटिए जंगल रे एक हरिण छुआ आउ एक हाथी सांग ही रहुथिले। सेमाने बहुत भल सांग थिले। सेमाने चुआडे भी जाउथिले सांग ही जाउथिले। एकाठी खेलुथिले आउ एकाठी खाउथिले। हरिण छुआ सांगरे हाथी सबुबेले रहुथिबा जगु जंगल रे हिंस्र पशु माने हरिण छुआर किछि क्षति करि पारु नथिले। एमिति दिने हरिण छुआ आउ हाथी जंगल रे बुलुथिले। बुलु बुलु सेमाने एक नदी पाखरे पहुँचिले। अरे हाथी सांग देख नदी से पारी कितने सुंदर सुंदर फल गछ अछि। चाल सांग नदी से पारी को जीवा आउ मन भरी फल खाइबा। हाँ नदी से पारी बहुत फल गछ अछि। हेले सांग ए नदी रे बहुत भयंकर कुंभीर अछंती। आमे जदि नदी से पारी को जीवा से माने आम उपरे आक्रमण करिवे। नदी भीतर को जीवाटा ठीक हेबनि छोट सांग। एमिति शुणि हरिण छुआर मन बहुत दुख हेगला। हरिण छुआर एपरी मन दुख देखि हाथी कहिला, आच्छा हौ सांग तु मन दुख करनी, चल आमे नदी सेपारी को जीवा। एबे तो कुंभीर माने देखा जाऊ नाहंती, मु गोटे रास्ता जानिची, चल मु तत्ते शीघ्र शीघ्र नदी पार करि देबी। एमिति हाथी आउ हरिण शीघ्र शीघ्र नदी सेपारी को चली गले। नदी सेपारी पहुँची दुई सांग पेट पूरा फल खाइले। मीठा मीठा फल खाई दुई सांग बहुत खुशी हो गले। अरे वाह सांग ए फल सब बहुत मीठा है जी। हाँ तू ठीक कहिलु, आज तो मजे आसीगला। एमिति किछि समय परे संध्या हो गला। हरिण छुआ हाथी को कहिला, अरे हाथी सांग संध्या हो गलाणी, मु शीघ्र घर को न फेरिले माँ मते खोजिबा पई बाहरी पड़िबो, चल शीघ्र घर को फेरि जिबा। अरे सांग मु आज बहुत थकी जाइछि, आज राति मु एठी रही जिबि, काली घर को जिबि। ठीक अछि सांग हेले मु एठी बेसी समय रही पारिबिनि, मु जाउछि। एमिति कहि हरिण छुआ ता घर को जिबा पई नदी पाख को आसिला। हेले सेतेबेले से नदी रे बहुत गुड़िए कुंभीर खेलुथिले। एते गुड़िए कुंभीर को देखि हरिण छुआ बहुत डरीगला। से घर को केमिति फेरिब से विषय चिंता कला। अरे एठि तो एते कुंभीर अछंती, मु घर को केमिति फेरिबि। एमिति हरिण छुआ एक उपाय चिंता कला। से गोटे कुंभीर को कहिला, अरे कुंभीर सांग केमिति अछ। हरिण छुआर एपरी कथा शुणी कुंभीर बहुत खुशी हेगला आउ मनरे भाविला, अरे ए हरिण छुआटा कौन मते डाकिला, याकु जेमिति भी हो पानी भितर को आणिबाकु पड़िब, ताहेले मते आज हरिण छुआ मांस खाइबाकु मिलिजिब। अरे हरिण छुआ कुआडे जाउचु, आसे पानी भितर को, आमे सांग ही खेलिबा, जल्दी पानी भितर को आसे। हरिण छुआ कुंभीरर चालाकी बेस भल भाबरे बुझिगला। से कहिला, अरे नाना सांग आज मु तो सांगरे खेली पारिबिनी, आउ दिन आसीबी खेलिबा, जंगलर राजा सिंह मते एक जरूरी कामरे पठेचंती। ए नदी रे केतोटी कुंभीर रहउचंती मु गणे राजा को जणेबी, सिंहराजा को पुओ जन्मदिन रे से जंगल सारा पशुपक्षी को भोजी देबे, मु जदि तम मानक संख्या तांको जणेबी से तम मानक पई खाइबा पठेइबे। हरिण छुआ पाखरु एमिति शुणी सब कुंभीर बहुत खुशी हेगले। ठीक अछि ताहले तु आमको गण, आमे सब छिड़ा हेचु। अरे नाना एमिति मु गणी पारिबिनी, तमे समस्ते गोटे लाइन रे छिड़ा हुओ, मु गणिबी, जदि मु भूल गणिबी राजा जो खाइबा पठेबे तम मानको कम पड़ी पारे। एमिति शुणी सब कुंभीर लंबा ही लाइन रे छिड़ा हेगले। से ही सुजोग रे हरिण छुआ एक दुई तीन एमिति गणी गणी नदी सेपारी को चली गला। कौन हैला हरिण छुआ आमे केते जण अछु? मु राजांक पाख को जाई कहिबी ए नदी रे 26 टी कुंभीर अछंती, आउ 26 जण जाक पूरा मूर्ख। एमिति कहि हरिण छुआ हसिला आउ ता घर को फेरि गला। गोटिए गाँ रे राधा आउ लता नाम रे दुई भौणी तांक मांक सह रहुथिले। सेमाने तांक मां सह मिसी दही तयारी करी सेगुड़ी को बिक्री करी घर चलाउथिले। हेले हठात अचानक तांक मांकर देहांत परी
दुई भौणी अनाथ होगले। एमती किछि दिन बीतीजापर घर चलवापी पुणी थे दुई भौणी दही व्यवसाय आरंभ कले। से मानक दही बहुत स्वादिष्ट होगा जो बहुत लोक से पाखु दही किणी खाऊ से पाख पड़ोशी रमेश क्षीर बेपार करुला राधा लता रमेश पाखर क्षीर किणी से दही तैयारी करुले। रमेश रवि गोटे झीला तार ना शोभा शोभा कहा सांगरे भी बेसी मिसिबा को पसंद करू नथिला। किछि दिन पर रमेशर देह खराब होगा जो से क्षीर व्यवसाय बुझी पारिलानी। शोभा ता बापांकर क्षीर व्यवसाय बुझिला। जेबेठारु शोभा ता बापांकर क्षीर व्यवसाय बुझुथिला सेबेठारु से प्रत्येक दिन राधा आ लता को क्षीर बिक्री करुथिला आ सेमानंकु देखुथिला। गाँ लोकों पाखरु से प्रशंसा भी शुणुला। धीरे धीरे राधा और लतार सफलता देखी से मनरे से मानू बहुत ईर्षा करुला। गोटे दिन से क्षीर से बहुत पानी मिसे रखिदेला। से पानी मिसा क्षीर को से लता और राधा को बिक्री करदेला। जेते बेले से क्षीर से राधा दही तैयारी कला दही पूरा पाणीचा होगला। एमती किछि दिन चलला सबुदिन राधा तैयारी करुवा दही खराब हो जाऊला। एक शोभा को कहवापी दिने लता ता घर को गला से शोभा क्षीर से पा मिशा एक लता देखने ला से बुझीगला जे एसबु शोभा जाशु करुची से ता घर को फेरी आसला। लता राधा को सबु घटना जनला। से दिन दुई भौणी शोभा पाखरु आउ क्षीर किणबेनी बोली निष्पत्ति नेले। पर दिन से जमापुंजी में गोटे गाई किणिले। से माने निजे ही गाईर क्षीर बाहर करी से दही तैयारी कले आउ बिकिबा को लागिले। एक जेतेबेले शोभा जानिला से खूब रागिगला। पुणी थरी से लता और राधा को हैरान करिबा पाई एक योजना बनेला। किछि दिन परे से घर को जाई कहिला काली मो बापांकर जन्मदिन मो घरे गोटे छोट भोजी रखी तुम दुईज को निमंत्रण रहिला काली निश्चय आसीबो। काली भोजी पाई मते 5 लीटर दही दरकार थिला। ठीक अच्छे शोभा आमे काली भोजी रे निश्चय जीवु मु सकाळे ही 5 लीटर दही तैयारी करी तुम घर को पठाई देबी। एमिती परदिन राधा और लता बहुत मात्रा रे दही तैयारी करी गोटे बड़ माठिया रे रखी शोभा को दही देले। शोभा से दही रे पेट खराब औषध मिसे रखिदेला। शोभा को एमती कर गाँव जड़े स्त्रीलोक देखनेला। जेतेबेले शोभा सेठारु चलीगला से स्त्रीलोक औषध बोतल को ता सांगरे नहीं आसला। संध्यारे भोजीरे शोभा समस्त को से दही खाइबा को देला। खाइबार किछि समय पर ही समस्त पेट खराब होगला। ठीक से ही समय गाँवर सरपंच भी शोभार घर को भोजीरे जोगदेवाई आसिले। समस्त एंभली अवस्था देखी से कौन हैला बोली पचारे। समस्ते भोजी खाइबा खाई सारिबा तांकर एभली अवस्था हैला बोली कहिले। शोभा कहिला आज मु सबु खाइबा निज हाथ रे बनेची केवल दही मु राधा और लता पाखरु आनी जेउ माने दही खाइथिले केवल से मानकर ही पेट खराब होता बाकी समस्त पेट ठीक थिला। जहाँफल समस्ते राधा और लता को ही संदेह कले। सरपंच से दुई भौणी पाखरु जोरीमाना आदाय करने कहले। ठीक से ही समय से स्त्रीलोक शोभार से पेट खराब औषध धरी सेठारे पहुँचला आउ समस्त को सबु घटना कहला। शोभार सतकथा जाणी समस्ते खूब रागिगले। भयरे शोभा सबु सतकथा मानिगला। से समस्त को क्षमा मागिला। पेट खराब होता लोक मानकर औषधर पूरा खर्च शोभा से मानक देला आउ तापरे से राधा आउ लता को भी क्षमा मागिला। मत क्षमा कर दि मु ईर्षारे अंध हो जाइली मुभि भूल केबे करिबिनी। राधा आउ लता ताको क्षमा करदे। से बेठारु शोभा राधा आउ लता सांगरे मिसी तांको दही व्यापार रे से मानको सहाय्य कला।